ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में ही होगा ये मुकाबला, जहां पर भारत और पाकिस्तान ने खेला था अपना पिछला मुकाबला। जैसे कि आपने इंग्लैंड की टीम की बात करी, तो गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर फिट है क्या खेलने के लिए? जोफ्रा आर्चर भी मुझे लगता है आज इन्हें रेस्ट दिया जाएगा। जोफ्रा आर्चर की जगह मुझे ऐसा लगता है कि लियम प्लंकेट इज द वन हुज गोना ऑपरेट द प्रोसीडिंग्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज बड़े मैच से पहले आप कोई रिस्क लेना नहीं चाहेंगे और बड़े मुकाबले अभी होने बाकी हैं। इंडिया का सामना इंग्लैंड के साथ अभी होना बाकी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि इट वुड बी अ मैच जो हमें सबकी निगाहें रहेंगी। एक इंडिया पाकिस्तान, क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड इस मैच में एक्सपेरिमेंट जितने हो सकते थे वो सब करेंगे? बिल्कुल करने भी चाहिए। मोइन अली को भी खिला सकते हैं? मोइन अली को खिला नहीं सकते विवेक, मोइन अली पक्का खेलेंगे, मोइन अली प्रबल दावेदार होंगे आज का मैन ऑफ द मैच के। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज ही हैज अ नैक ऑफ पिकिंग विकेट्स, ऑफ स्पिन अच्छा करते हैं, कुछ आकर्षक स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, फील्डिंग एफर्ट बड़ा अच्छा करते हैं, बैटिंग लाइनअप ऊपर आ जा सकते हैं। एक मैच मुझे याद आता है T20 वर्ल्ड कप का, अफगानिस्तान बनाम इंग्लैंड। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को एकदम से इतना बड़ा सदमा दे दिया था, शायद 80-85 रन पे 5 या 6 आउट कर दिए थे। तब मोइन अली आए और उन्होंने 40-44 रन किए, सांस में सांस आए इंग्लैंड के। T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ विवेक, 140 तक पहुंचे, 144 रन किए इंग्लैंड ने, वहां से मैच जीते, उसमें बॉलिंग में भी अच्छा किया था मोइन अली। सो मैच विनर है, कहीं ना कहीं आप टीम में आज चेंजेस देखेंगे। आप देखेंगे कि आज मोइन अली टीम में खेलेंगे, टॉम करन भी हो सकता है खेलेंगे, बेन स्टोक्स खेलेंगे, साथ में लियम डॉसन को अभी तक मौका नहीं मिला है। मुझे लगता है कि आज भरसक मौके देने चाहिए, क्योंकि आज तो लड्डू मैच है और ये लड्डू ना आपको ग्रैब करना होगा। बड़े मुकाबले से पहले आपको अपने मैच विनर्स, अपने घोड़े जितने भी हैं वो सभी देख लेने चाहिए कि हमारा जो बेंचमार्क है वो कितना सेट है। इसीलिए इंग्लैंड की टीम को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है विश्व कप का, क्योंकि जो खिलाड़ी बाहर बैठे हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस टीम में। अगर बात अफगानिस्तान की टीम की करें तो यहां पर मैं कहूंगा राशिद खान के इर्द गिर्द पूरी टीम बैठी रहती है कि राशिद खान परफॉर्म करेंगे तब हम जीतेंगे। इनके जो विकेट कीपर थे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया उनके साथ भी दिक्कतें हुई, उनको बाहर कर दिया। इसके अलावा आपको क्या लगता है कौन कौन से आज खिलाड़ी हो सकते हैं, नए चेहरे कोई शामिल हो सकते हैं क्या? खोज रहा हूं मैं लेकिन समझ आ नहीं रहा, क्योंकि एक मुजीबुर रहमान दिख रहे हैं, राशिद खान दिख रहे हैं, हजरतुल्ला जजाई, गुलबुद्दीन नायब पता नहीं कितना कमाल कर सकते हैं, ऑल्दो मैं तो उनकी कप्तानी के हित में कभी रहा नहीं। असगर अफगान इस टीम में वो जान नहीं लग रही है। हमीद हसन भी 140 के गेंदबाज है, मुझे पता है कि आप उसी पर आना चाह रहे हैं। देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, बात ये है ना कि यूनिटी नहीं दिख रही है इस टीम में। जहां से एक एंड से अगर विकेटें मिलेंगी तो दूसरे एंड से आपके रन्स लीक हो जाते हैं। जहां पे आपको ओपनिंग स्टैंड अच्छा चाहिए तो आपने सिर्फ जो इनके जो विकेट कीपर है शहजाद, आपने उनको बाहर कर दिया है। अब उतना इम्पिटस नहीं है, उतना मोमेंटम नहीं है, सिर्फ आपको राशिद खान अकेले तो मैच जिताएंगे नहीं, आपको रन्स ऑन द बोर्ड चाहिए और रन्स इस टीम के बन रहे नहीं है। पिछले अगर आप कुछ मैच की बात करें, सबसे वीकेस्ट अगर कोई बैटिंग यूनिट दिखी है तो वो अफगानिस्तान दिखी है, लेकिन वो शहजाद की होते उतनी वीक लगती नहीं थी। एक हवा जरूर रहता था कि अगर इनका बल्ला चला तो 50-60 रन तो ये बना देंगे ओपनिंग। लेकिन क्या एक छोटा सा कोई फॉर्मूला बता सकते हैं कि एक होप अफगानिस्तान की टीम के पास अगर ऐसा हो जाए तो अफगानिस्तान जीत सकती है? देखिए इस तरह से निकलने का एक ही होता है कि आप फियरलेस क्रिकेट खेलें, डरना नहीं होगा। आपको पता है कि हार तो लिखी हुई है लगभग, हार से बाहर निकालने का ये है कि डर के आगे जीत है, और डर के आगे जीत का मतलब ये है कि आप ब्लास्ट करें, आते ही आकर्षक शॉट्स खेलें, बॉलिंग में आप टेंडम में गेंदबाजी करें, 3 स्पिनर्स को अगर आप जगह दें, क्योंकि आज का विकेट मैंने देखा है विवेक थोड़ा सा ना ऑन अ स्लोअर साइड है और स्पिनर्स को असिस्टेंस देगा आज का विकेट। मुजीबुर रहमान, राशिद खान और मोहम्मद नबी, अगर तीनों का पैकेज हमें देखने को मिल जाए दे कैन प्रूव वाइटल, और साथ में आपको बल्लेबाजी में अटैक करके जाना होगा, डिफेंस से बात बनेगी नहीं। इंग्लैंड को इंग्लैंड की भाषा में जवाब आप देंगे ना तब कुछ बात बन सकती है, अन्यथा इट्स गोना बी ट्रबल, 99.1% चांसेस इज व्हाट आई एम सेइंग फॉर टुडेस गेम। मतलब अगर स्पिनरों का जलवा रहा तो फंसा सकते हैं मैच, जीतना मुझे मुश्किल, असंभव तो देखो कुछ होता नहीं, और कहते हैं क्रिकेट में असंभव शब्द मूर्खों के शब्द कोश में है, लेकिन मेरे लिहाज से आज का मुकाबला गेम सेट एंड मैच राइटिंग ऑन द वॉल 99% इंग्लैंड। चलिए इंग्लैंड बिल्कुल इसका मजबूत दावेदार है, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि दोनों टीमों के बीच अभी तक सिर्फ एक ही मुकाबला हुआ है जिसमें इंग्लैंड ने करी थी जीत हासिल। वहीं अगर इस साल की बात करें, अफगानिस्तान ने 12 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 4 मुकाबले जीते हैं, 7 में हार मिली है। वहीं इंग्लैंड ने 15 में से इस साल 10 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 3 मुकाबले वो हार गए थे, 2 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं आया। वहीं अफगानिस्तान की विश्व कप में बात करें तो 10 मुकाबले खेल चुके हैं, सिर्फ एक मुकाबला वो अभी तक जीते हैं, वो भी 2015 पिछले विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ।
वहीं इंग्लैंड ने अभी तक ओवरऑल 76 मैच वर्ल्ड कप में खेले हैं, जिसमें से 44 मैचों में जीत हासिल की है और 30 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। दीपांशु जी, ये पॉइंट टेबल आ गई हमारे सामने, क्या ये चारों टीमें जो अभी ऊपर है आपको लगता है यही रहने वाली सेमीफाइनल तक? ऑलमोस्ट यही लग रहा है विवेक, क्योंकि जो पहली चार टीमें अलग ब्लेंड का क्रिकेट खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड इंग्लैंड। बांग्लादेश ने कल वैरायटी दिखाई है और दिखाया है कि जज्बा और जुनून दोनों हैं उनमें और प्रतिभा की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन क्या वो इन चारों टीमों में से किसी एक को अपसेट कर सकती है? अगर अपसेट करेगी तभी फ्रेम में आएगी, अदरवाइज ये चार टीमें जो हैं ये सेमीफाइनल में जाते दिखते हैं, इनके लिए रहें बड़ी मुश्किल, बहुत मुश्किल। बेहद दुखी हूं मैं, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप से पहले इनको एक दावेदार मान रहा था, अपने शब्द वापस लेने होंगे मुझे, और अब इस टीम के लिए राहें असंभव की ओर दिख रही हैं, क्योंकि इनको ना सिर्फ बाकी सारे मैच अपने खुद के जीतने होंगे, दूसरों पर निर्भर रहना होगा, और ऐसी टीम जो दूसरों पर निर्भर रहती है वो वर्ल्ड कप जीतती नहीं है, इतिहास गवाह है इस बात। बिल्कुल, वो ट्रू चैंपियन हो नहीं सकती जो दूसरों के मुकाबलों पर करे निर्भर। तो अफगानिस्तान को पहली जीत की तलाश है, वहीं इंग्लैंड इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल की तरफ मजबूती से अपना कदम बढ़ाना चाहेगी। तो आज के लिए इतना ही, और दीपांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सब जानकारी के लिए। तो विश्व कप की तमाम बड़ी खबरों और चर्चाओं के लिए आप बने रहिए ईटीवी भारत के साथ। नमस्कार।